वो फोटोग्राफर की कभी वीडियो नहीं होती ना तस्वीर होती है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करने लगे हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक मेथड से माइट्स जैसी मूजी मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। हम लोग जो बैक्टीरियल डिजीज़ है फाउल ब्रूड, उसके ऊपर आपको आज कुछ नहीं बताने वाले, वो बहुत सिंपल सा है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाइटमेयर है वो माइट्स हैं। माइट्स के अंदर भी हमारे पास जो हैं वो तीन किस्म के माइट्स वैसे दुनिया में पाए जाते हैं जो कि हैज़र्डियस हैं, लेकिन इसमें दो किस्म के जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर हर जगह अवेलेबल हैं। इसमें एक का नाम है वरोआ डिस्ट्रक्टर, जिसको जब हम पढ़ रहे थे तो कहा करते थे वरोआ जैकबसोनी, तो अब वो वरोआ डिस्ट्रक्टर की एक सूरत हमारे सामने है, और एक है ट्रॉपीलेलेप क्लेरे। ये दोनों के दोनों जो हैं माइट्स हैं, ये कभी कभी मुश्तरका तौर पे भी कॉलोनी के अंदर रह रहे होते हैं, कभी कोई एक किस्म होती है और एक अवेलेबल नहीं होती उस टाइम पे, लेकिन जो इसमें ज़्यादा हार्डी है वो वरोआ माइट है। पर माइट्स के लिए जो ट्रीटमेंट है वो एक जैसा ही है। कुछ लोग अगर बैठना चाहें तो बैठ जाएँ ताकि फिर विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये आसानी हो जाएगी। बुजुर्ग बैठ जाए फिर बहुत सारे खड़े मैंने कहा ही इसलिए अगर आप कह दिया आज अपने बुजुर्ग का लफ्ज़ यूज़ की जी ज़्यादा लोग बैठ जाए। ओके, ये जो माइट होता है ना, ये मक्खियों के लिए इतना खतरनाक है कि ऐसे समझ लें जैसे कि मैं एक बी हूँ और मेरे ऊपर वरोआ माइट का हमला हो गया, और वो जो माइट है उसका क्या साइज़ है मक्खी के तनाजर में, अगर मैं बात करूं अपने आप को मैं मक्खी समझूं और मेरे ऊपर वो माइट आगे बैठ गया, तो वो एग्जैक्टली मेरी जो मुट्ठी है इतना बड़ा माइट होगा मेरी बॉडी के हिसाब से। अगर मेरे जिस्म पे इतना बड़ा माइट बैठा हो तो मैं क्या करूँगा, हर वक्त परेशान ही रहूँगा ना। तो छोटी तो हाँ जी, तो इतना बड़ा माइट होता है मक्खी के ऊपर साइज़ के अतबार से, एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द बी, तो माइट का इतना बड़ा साइज़ है जितना बड़ा कि मैं अगर अपने आप को मक्खी समझूं और ये मुट्ठी जो है ना ये इतना बड़ा जो है ना माइट का साइज़ होगा, तो इतना बड़ा माइट मेरे जैसे मैं पड़ा हुआ चिपका हुआ और मेरा ब्लड सक आ रहा हो तो मैं क्या करूँगा। तो मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद मोहतरम पेशावर यूनिवर्सिटी से, नाम तो मैं भूल गया उनको, उन्होंने एक दो लेक्चर ही दिए थे लेकिन कुछ बातें उन्होंने बड़ी मज़े की बताई थी। उन्होंने ये कहा कि ये जो डिजीज़ है ना ये क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, किसी को पता है डिजीज़ क्या होती है? क्लास में उन्होंने सवाल किया तो हमने कहा हाँ जी हाँ बीमारी होती है सर जी, बंदा जो है वो मरीज़ होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये है डिसीज़। मालूम कि आपको पता होना चाहिए कि आप आराम में नहीं हैं, अगर आप बीमार हो गए हैं तो भाई आप आराम में ही नहीं हैं। जो बंदा आराम में ही नहीं है उसने हमारे लिए क्या करना है? तो अगर बीज डिजीज हैं और ख़ास तौर पे माइट्स जो कि हर वक्त इनके अंदर पाए जाते हैं वो हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको शहद नहीं देना सर। तो अगर आपने उसको करेक्ट नहीं किया, उसका उसके लिए आपने कुछ तदारक नहीं किया, तो आप ये समझिए कि यू आर ओनली अ बी कीपर, यू आर नॉट अ हनी प्रोड्यूसर। हु वॉन्ट्स टू बी अ हनी बी कीपर ओनली? वो तो नुकसान का ही काम है ना, फिर फायदा तो कोई नहीं होगा। इट्स नॉट अ हॉबी, ये तो हमारा प्रोफेशन है, हम इससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो हमें हर सूरत में माइट्स को कवर करना है। अच्छा, माइट्स के लिए वैसे तो पॉइजन्स भी हैं बहुत से, फ्लू वेलिनेट है, फ्लू मेथिलीन है, और अमीट्राज है, और बहुत से अदर हैं ऐसे जो कि पॉइजन्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक मेथड से इनको ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पर हम आपको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं दो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स
जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है इन माइट्स को किल करने के अंदर, और जिनकी एफिकेसी जो है वो भी 99% के करीब है, और माइट की जो इम्यूनिटी है वो भी इस्टेब्लिश नहीं होती, ये एक कमाल की चीज़ है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि दो ऐसे एसिड्स हैं जिनमें से एक का नाम है फॉर्मिक एसिड और एक है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये दो जो एसिड्स हैं इनकी क्या फॉर्मुलेशन हैं, कैसे हम तैयार करेंगे कि हम अपनी बीज को ट्रीट कर सकें। बहुत सारे प्रिंटे होते हैं ना जी, उनकी जो लाइसेंस वगैरह पड़ जाती हैं वो चूंटियों के माउंट ढूंढते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, वो फॉर्मिक एसिड की फॉर्म वो छोड़ जाती है। यस, प्रिंटों के अंदर ऐसे ये तरीका है। चले जी, मैंने एक हम फार्मूला जो है उसको पकड़ते हैं ऑक्सैलिक एसिड को पहले, जो कि ड्रिपल मेथड कहलाता है, यानी हम इसको सिरिंज में डाल के मक्खियों के ऊपर इसके कतरे जो है वो टपका देते हैं और वो उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो आके चिपक जाता है, और फिर वो एक दूसरे से जब शेयर करती हैं और फूड के ज़रिए से भी उनकी बॉडी में आ जाता है, और माइट जब उनको सक करते हैं उनके हीमोलिम्फ को तो उससे माइट जो है उनको उससे पॉइजनिंग हो जाती है। तो उसमें जो सबसे आसान है पहले मैं वो करता हूँ, ऑक्सैलिक एसिड का जो ट्रीटमेंट है ड्रिपल मेथड, उसके लिए हमने यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी है, ओरिजिनली जो उन्होंने एक लीटर में बनाया हुआ था मैंने उसको कम कर दिया है जी, वो आपको शेयर कर देंगे बाद में। जी सर, इसमें वही कैलकुलेशंस भी हैं? कैलकुलेशंस मैंने आपको दी भी हैं। हाँ, दी भी हैं, कैलकुलेशन दी हुई हैं डॉक्टर साहब। कैलकुलेशन आपने कर दी हुई है इनको साथ में शेयर? नहीं तो ये मिल जाएंगी आपको, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट दैट। तो मैंने यहाँ पर जो शुगर सॉल्यूशन बनाना है सबसे पहले उसको हमने लेना है, मैंने यहाँ पर 125 ग्राम लिया है चीनी और 125 ग्राम ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। बेटा कोई मुझे पानी पकड़ा दे, ये थोड़ा सा सिस्टम हमने आपके सामने कर दिया था ताकि आपके सामने करके बता दें कि 1:1 रेशो का जो है ना हमने शुगर सिरप बना, ये मक्खियाँ जो है इसको पीती हैं और इनकी नॉरिशमेंट इससे होती है। तो इन्हीं की फूड के ज़रिए से हम इनको ये जो एसिड है ऑक्सैलिक एसिड ये देना चाह रहे हैं। 125 ml। 100 तो होगा, ये नहीं, ये ये 50 तक है लेकिन हमने ये 300 है ना, तो 100 150 and 200, इसमें वो 25 का वो नहीं है, ठीक हो गया ये अंदाज़ा के। अब हाँ ठीक है, दैट्स ओके। तो 125 ml पानी और 125 ग्राम चीनी, ये हमने 1:1 का रेशो था इसका, इसको हम लोग मिक्स करते हैं। अभी स्पेचुलास हमारे पास अवेलेबल हैं, ये शुगर आइसिंग है या दूसरी भी ले सकते हैं। देखिए सर, चीनी है, चीनी आप कोई सी भी इस्तेमाल कर लीजिए, और ये हमने क्योंकि आइसिंग शुगर जल्दी से काम हो जाएगा हमारा, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। इस चीनी की जगह आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हनी का इस्तेमाल तो नहीं किया इसके लिए हमने कभी भी, लेकिन आपने वो ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। वैसे ये तो फॉर्मुलेशन चीनी के साथ आसानी से बन जाती है, सस्ती है ना, तो यू आर डूइंग एक्सपेंसिव, यू डूइंग एक्सपेंसिव थिंग्स ना अदरवाइज। इसीलिए वो बोया हनी की, इसलिए ऑफ सीजन में दी जाती है, तो ये चीनी की हनी में है। शायद तो एक चाटना आना शुरू कर दें दूसरे। ओके, अच्छा इसका इफेक्ट वाकई चाटने से ही होगा कि ये एक दूसरे को चाटेंगी और इनकी बॉडी के अंदर ये चला जाएगा जिस वक्त, तो फिर इनके हिमोलिम की मदद से ये माइट्स जो है ना जब सक करेंगे तो उनकी जो है ना मोटिलिटी होगी। हाइजेनिक बिहेवियर है वो, इसको साफ करने के लिए हाइजेनिक बिहेवियर यूज़ करेंगे और उसके नतीजे में वो इनके ऊपर जो लगा हुआ होगा वो उनको उनकी खुराक की तरफ निकल जाएगा। अब बेसिकली हमने किसी तरीके से जो है ना ऑक्सैलिक एसिड ये माइट तक पहुँचाना है, तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वेज जो कि हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसका सर हनी बीज के ऊपर कोई इफेक्ट ऑक्सैलिक एसिड का? इस लाजमी बात है, जो भी हम मेडिसिन इस किस्म की देते हैं उसमें कुछ ना कुछ असर जरूर होते हैं, इसीलिए ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इसको हम लोग कहते हैं कि हमेशा उस टाइम पर देना है जिस वक्त जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है या उस वक्त डॉर्मेंसी का पीरियड चल रहा है, जुलाई भी ना हो गर्मी भी ना हो, तो डिक्लाइन में जब भी हो, ये वो फॉर्मिक एसिड के लिए है, तो जी फॉर्मिक के लिए है वो 30 degrees से जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ही हम डिस्पर्स कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो है ये बड़ा
सेफ सा मेथड है इसका देने का, लेकिन ये एक दफ़ा ही हम देते हैं और हमेशा देते हैं उस समय जबकि पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ होती है या नहीं होती इनके अंदर रूट नहीं होता, तो ये इफेक्ट कर रहा होता है बेसिकली उन जो कि मक्खियों के ऊपर बाइट अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर ये जो है ना इफेक्ट कर रहा होता है, जो रूट के अंदर होते हैं ना उसको ये इफेक्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा, इसके अंदर जो हम लोग ऐड करने वाले हैं वो करने वाले हैं 35 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पर वे कर लेते हैं। वीक स्केल मेरा कितने चुक लेते हैं पुत्र? ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है जो कि डाइहाइड्रेट है जी, यानी इसके अंदर वो पानी की मिकदार मौजूद है। ये हमें 35 जो है ना वो ग्राम लेना है, बिल्कुल एग्जैक्टली 35 ग्राम। डिहाइड्रेट यानी पानी की मिकदार मौजूद है या इवेपोरेट? डाइहाइड्रेट में जो दो पानी निकला हुआ माले पानी निकला हुआ सॉरी डाई है। अब हम चूंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया ना फार्मूले को अपने, अब हम जो लेने वाले हैं वो 8.75 दे रहे हैं, 8.75 ग्राम दे रहे हैं क्योंकि हमने इसको 125 कर लिया ना, 1 लीटर की हमने 125 ठीक हो गया, तो कितना हो गया जनाब 8. सर इसको हम अभी ये 1 लीटर के लिए मैं थोड़ा कर रहा हूं, मैं लीटर के लिए नहीं कर रहा, 35 ग्राम जो है हां ये मैं ये जो है ना ये हमारा कर रहे हैं हम 250 के लिए डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं ये 35 ग्राम 1 लीटर के लिए। ओके नाइन ग्राम सर आएगा तकरीबन 9 सही है, 1 ग्राम तो कागज़ नहीं सिर्फ कितने ग्राम होता है आधा पेज बस मैंने ये 10 कर दिया इसीलिए 40 ग्राम का होगा आधा। अब हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे जनाब और इसको हम हल करेंगे। ये पेपर जो है औसत 70 ग्राम 70-80 का होगा ना, तो उसका हाँ लेकिन वो 1 मीटर का वेट बट ये 80 वाला लग रहा है, सिंपल टेयर कर लें। जिस वक्त ये अच्छी तरह हल हो जाएगा तो हम इसको ठंडा करेंगे और उसको ठंडा करने के बाद फिर हमारे पास ये सिरिंज पड़ी हुई है, इस सिरिंज की मदद से हम 50 ml जो है वो पर हाइव हमने इसको डोज देनी है, लेकिन वो डोज इस तरह से देनी होती है हमने 50 ml पर हाइव 50 ml पर हाइव, तो वो हम इस तरह से दे रहे होते हैं कि हर एक जो लाइन है इन बिटवीन द फ्रेम तो उसमें 20 के ऊपर हमने इसको स्प्रिंकल करना होता है। तो अभी हम इसको आपको करके दिखा भी देंगे कि हम इसको कैसे कर रहे होते हैं। और सर आप इसको रख लें थोड़ा सा मैं कर लीजिएगा सर, इसका कूल डाउन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? फुल ठंडा हो जाए? यस यस यस, क्योंकि मक्खी को जलाना नहीं है हमने तो ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब इसको जो स्प्रे करने वाला था जो बिल्कुल बाहर से जिसकी आती है वो स्प्रेयर है वो उससे करें? नहीं इसको स्प्रेयर से नहीं करना। अच्छा इसको ड्रिपल से ही करना होता है हमने, ड्रॉप चाहिए इसके, हम ड्रिप कर रहे होते हैं स्प्रे नहीं करते। ठीक, वैसे तो हम फ्रेम को उठाएं उसको स्प्रे कर देना, रिजल्ट इसका जो आता है वो ड्रिपल में ही आता है। ठीक, ये बिल्कुल सही है, वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये बाकायदा सवाल हो चुके हुए हैं ना। अच्छा स्प्रे नहीं सर, इसकी इफेक्टिवनेस कितने अर्से के लिए होगी बेटा? वन टाइम ये ट्रीटमेंट देना है हमने, डोर्मेंसी पीरियड के अंदर ही देना है और बस एक दफ़ा ही देना है सर। ये सोल्यूशन के बाद जैसे हम अभी इसको तैयार कर रहे हैं, यस मतलब फार्मर जो है किसान वो बार बार इसको प्रिपेयर वन टाइम प्रिपरेशन करें तो कितने खत्म कर इसको स्टोर नहीं नहीं नो 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 यूज इट बस खत्म खत्म खत्म। मेरा इसके क्वेश्चन है सर, जो ह्यूमन पी को बाइट लगती है सर उसके लिए भी ये हम यूज कर सकते हैं? नहीं उसमें ये था कि मेरे साथ अपना एक एक्सपीरियंस नहीं, होटल में क्या वहाँ जो हम कंबल इस्तेमाल करते हैं सर 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 तो बारिश होती है सर बिल्कुल अच्छा वो खारिश होती है वो बन के लिए है सही है। ज़्यादा कैसे का साबुन आर्मी में मिलते हैं वो मैं ऑक्सैलिक एसिड वाला उसमें उसका कुछ है
राइट समझ गया। डॉक्टर के पास गया, उसने कहा एंटीबायोटिक भी दे दे। अच्छा, हम जो जो हमारा असिस्टेंट है ना, तो हमें धूप में जो बिस्तरे हम करते हैं मल्स को किल करने के लिए, ये जहाँ बाल है ना ह्यूमन बीइंग के, वहाँ से ये एंटर होती है। अब जब नॉर्दर्न एरिया में वो नॉर्दर्न में ठहरते हैं बारिश करते हैं, वो एग ले करती है तो आपके जिस्म के ऊपर नजर बन जाती है। तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि अगर ये आप ऐसे इसका सोल्यूशन एक बनाया जा सकता है, जैसे हमने क्रीमें बनाई हैं, इसका भी एक बनाया जा सकता है। दिस इज वंडरफुल, इसको ट्राई कर लेते हैं। इसको खटमल कहते हैं, तो हमारे कुछ गए, हमें नहीं समझ आया कि यार ये क्या चीज़ है, तो वो स्पेशलिस्ट के पास गए, उसने हमें हमने उसको बताया कि नॉर्दर्न एरिया में गए हैं, वो समझ गया, उसने जो मेडिसिन माइटीसाइड जो है ना उसको टेबलेट्स दी थी, वो उसने कहा था कि ये माइट जो है, तो इनको विंच माइट कहते हैं, ये बॉडी में एंटर होके ना प्रॉपर आपकी टनल्स बना देती है स्किन के साथ साथ, और ये प्रॉपर आपकी हाथों के ऊपर अगर बॉडी पे है तो ये प्रॉपर आपको विजिबल होती है, लकीरें बनी होती हैं कि यहाँ यहाँ से ये पेनिट्रेट हो रही है। मेडिसिन हमारी जो है वो एक तैयार हो गई है, ऑक्सैलिक एसिड की फार्मूलेशन, जिसको हमने अब सिर्फ ड्रिपल करना है कॉलोनी के अंदर, वो रह गया। तो हम एक साथ ही जो है ना ये दूसरी जो इसकी फार्मूलेशन है वो भी बना लेते हैं सर, सो दैट वी विल अप्लाई बोथ ऑफ देम टुगेदर ना। दूसरी जो इसकी फार्मूलेशन आ रही है वो आ रही है इसकी इस टिश्यू पेपर के ऊपर, जिसको शॉप टॉवल कहते हैं। इसके अंदर हम एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सैलिक एसिड को और ग्लिसरीन के साथ उसको डाइल्यूट करके, और फिर इसे हम लोग कॉलोनी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल ऐसे करके, और मक्खियां जब इसको कुतरेंगी तो वो इसको कुतरने के दौरान में अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करती चली जाएंगी, और वही वाला इफ़ेक्ट होगा और स्लो स्लो, तो ये काफ़ी दिनों तक जो है ना कॉलोनी के अंदर रहेगा, तो इसका ज़रा इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा विद इन फ्यू आवर्स, लेकिन इट विल गो लॉन्ग वे। ये जो स्ट्रिप है सर, उसका क्या इफेक्ट है? ग्लिसरीन ये बेसिकली इसके अंदर डाइल्यूट करके ना मिक्स करके, ताकि वो इसके अंदर ना वो जल्दी ना स्लोली एब्जॉर्प्शन है, स्लोली रिलीज करें। काम तो दोनों का एक ही है, नहीं नहीं वो फॉर्मिक एसिड खानी है 65 की, इसकी नहीं है, ये जो है हमारे पास वैसा का वैसा ही है। ये हमारे पास ग्लिसरीन पड़ी हुई है, और ग्लिसरीन हम इसके अंदर डालेंगे 31 ग्राम। ये वेजिटेबल ग्लिसरीन है, वेजिटेबल ग्लिसरीन बाकायदा इसको हम वेजिटेबल ग्लिसरीन लिखा जाता है, 31 ग्राम। तो सर इसकी जो स्ट्रिप है वो ऐसा ही बड़ा रखा जाएगा या काट के रखी जाएगी? सर सारा दिखाएंगे, ये इसको पूरा ही रखेंगे डेमो। अच्छा, ये पूरा आएगा एक ही हाई के ऊपर? एक हाई के ऊपर पूरा आ जाएगा बिल्कुल। तो इंडिविजुअल हाई के ऊपर लगाना पड़ेगा एक बॉक्स के अंदर, या एक ही एनएफ है पूरे बॉक्स के, पूरे एक डब्बे के लिए? अगर डबल स्टोरी है तो उसके ऊपर इस किस्म के दो कागज रख दिए जाते हैं, और अगर सिंगल स्टोरी है तो एक एक इस तरह से इसको मैनेज करेंगे। नहीं, एक ही स्टोरी पे दो आगे पीछे करके रख देते हैं, लेकिन एक ही आप तो ऊपर रखते हैं इसको, मिडिल में नहीं हम लोग, सब ऊपर के ठीक हो गया हमने सर इसको 31 ग्राम से हमने ग्लिसरीन ले लिया है, और अब हम लेने लगे हैं यहाँ पे वाला सर, वो भी है लेकिन इसकी ना दूसरी एप्लीकेशन मेथड दूसरा है ये ऑक्सैलिक के। सर ये कितना जाएगा? ये 25 सर, अंदर है स्पैचुला, अंदर चार पर डिवाइड कर दिए? नहीं, ये पूरा कर रहे हैं सर, ये है ही एक कॉलोनी के लिए जो है ना, ये उसकी डोज है एक कॉलोनी की, 24 25 25 25 ग्राम। वेरी नाइस, थैंक यू।
ये है काफ़ी सारी डोज है इसकी वजह से जो इसमें जा रहा होता है ना बॉक्स पड़ा हुआ है आपका काम हो गया सर जी ठीक है तो थर्मामीटर पे चेक कर लें ओके हमें इतना ही चाहिए जितना है नीचे से स्विच आप जो बात ये तारे इन दोनों में से आपके नज़दीक सबसे बेस्ट कौन सा ये वाला या ये वाला मुख्तलिफ सीज़न में मुख्तलिफ चल रहे होते हैं ये हाँ ये वाला जो होता है ना ये हम लोग बिल्कुल डॉर्मेंट पीरियड के अंदर ये दे देते हैं जब डॉर्मेंट पीरियड से थोड़ा सा हट रहा होता है ना सीज़न तो फिर ये वाला अप्लाई करते हैं इस पर टाइम ज़्यादा लगता है यस ज़्यादा अच्छा रहता है डॉर्मेंट मतलब जब अंडे बचाए ना हो या कम से कम सर्टिफिकेट उनको मिलेगा जो आखिर में ये इस सेशन के बाद एक सेशन होगा स्टिंग कराने का सर मैंने तो पहले दिन ही करवा लिया आप ISO सर्टिफाइड है वो जो भी हाल लड़ गए यहाँ पे पर कल हमारा जो पहला यहाँ पर सेशन हुआ था 18 में हुआ था गालिबन कब हुआ था जिसके अंदर बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी हमारे स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी के तो उस वक्त चूँकि हमारे अभी बहुत सारे वाकफ़ नहीं थे बीकीपर और इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं थी तो क्लास थी हमारी 70 स्टूडेंट्स की थी और लैब हुआ करती थी वो पुराने कैंपस के अंदर तो वहाँ पर आखिर चूँकि प्रैक्टिकल मेरे हाथ में था तो आखिर वाले दिन था तो हम चले गए ग्राउंड के अंदर इस तरह जीज के साथ तो मैंने कहा जी अब इस तरह करेंगे कि हम सारे के सारे लोग जो है ना लाइन में खड़े हो जाएंगे और एक एक करके जो है ना मैं यहाँ से फ्रेम पकड़ाऊँगा और जिसके हाथ में जो फ्रेम आएगा ना वो उसमें मुझे रीड करके बताएगा कि इसके अंदर उसने क्या ऑब्ज़र्व किया तो मैं कॉलोनी खोलने में मसरूफ़ हो गया मैंने स्मोकर जलाया और हाइप टूल पकड़ा भी वेल पहना और मैंने फ्रेमों को जब निकाल के एक हाथ में पकड़ा और मैंने उड़ के देखा कोई भी ना तो वो सारे स्टूडेंट्स थे हमारे प्रोफेशनल बीकीपर तो थे नहीं उन्होंने अच्छा उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी मैंने कहा भाई अगर किसी ने ये सेगमेंट कर लिया तो सर्टिफिकेट देंगे वरना मैं चेयरमैन साहब से कहूंगा जी किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना जुलम है खुदा का सर्टिफिकेट ले ली और मक्की को हाथ भी लगाते हो यार रिसेंटली अभी हम शिफ्ट कर रहे थे बॉक्स का पास बॉक्स चिंगची रिक्शे में बैक सीट पे वो रखे हुए थे फ्रंट में बैठे हुए थे तो बहरहाल वो प्रॉपरली हमने सीट दिया सब कुछ किया लेकिन इत्तेफाक से जिस सीट पे मैं बैठा हुआ था उसके पीछे जो डब्बा रखा हुआ था उसमें कई सुराख था नीचे बॉटम बोर्ड में वहाँ से निकलना शुरू हुई वो है ना और वो क्लटर बना दिया उन्होंने और मुझे यहाँ पे उन्होंने बाइट कर लिया और बहुत सारी एक साथ रिसेंटली जब मैं सूरजमुखी के से आई का सही है यहीं अप्लाई करेंगे या उधर जा मैंने फ़ोन किया खैर मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए मैंने कॉल की उसको जैसे आई दिया था नो वन इज गोइंग एनीवेयर आपके पास में पानी है तो इनके पानी क्लोजिंग का भी टाइम आ रहा है ओपन ही कर लेंगे वैसे जैसे स्प्रे मारते हैं स्प्रे के दरमियान ही करना बस तो नहीं करना मक्खियां उड़ जाएगी वापस चली गई बहरहाल मैंने अपने आप को सेट किया थोड़ा सा फिर हमने कोई 8-9 किलोमीटर का सफर करना था फिर मैं बोतल मेरे पास थी मैं मुंह में भरता और उनपे वो बारिश करता था नहीं ऐसा मैं उन्होंने स्टिंग आपको इसलिए दी है कि आप किंची में लेकर जा रहे हैं कितनी इंसल्ट उनकी आप उनसे लाखों में बारिश में किंची में और इसमें सीखा ये कि जब ब्रीज के ऊपर स्प्रिंकल बारिश के पड़ते हैं तो वो फील करती हैं कि बारिश हो रही है तो बारिश जब हो रही होती है तो वो हाइट के अंदर चली जाती है वो उस सफर के दौरान में उनके ऊपर स्प्रिंकल वही ले लो वही ले लो इसको आपने इतना करना है कि ये पता होना कैमरा था की तरह नहीं आना चाहिए और बेटा शेखा नहीं पड़ा उसने जल्दी पड़ चुका शेखा वो पता नहीं बस ये ठीक है हर एक के पास तो नहीं होना ना वो यार ये तो हर एक के पास होना है ना चले अब हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर इसका नॉर्मल होना चाहिए यानी ऐसा ना हो जिससे मक्खियाँ जलें जलें तो ये बिल्कुल ठंडा हो तो उसको रूम टेम्परेचर ये बोला जाए इसका ये तो हमने इसको बस माइंड सा करते हैं ताकि हल हो जाए इसको कोई वो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं देना सिर्फ आसानी के लिए अपनी देना है बस जल्दी से हल हो जाए लाइक आप यूँ सब अगर टेम्परेचर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा 45 बस 45 डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें आपका हाथ जले भी नहीं और जले भी ये ज़्यादा देर पकड़ें तो आपको महसूस हो रही है अब सर इसको हम डिस्पेंसर का आपको तरीका बताते हैं कि हमें डिस्पर्स कैसे करना है
So it will be very convenient when a chamber from where will arrive here. Center में इधर table यहाँ पे यहीं इधर ही आते हैं. हाँ इधर ऊपर आते हैं. यहाँ रख लेते हैं. Everybody will be able to watch. बस एक chamber दे रहे हैं. Shop. उसके करीब से. Top cover भी दे दिएगा. Top cover भी बेटा दे रहे हैं. नीचे गिरा दें उसको. वो लेना करते हैं नीचे वाला. बेटा आप दे देंगे. 89 में. अच्छा सर अब हम ये करने लगे हैं ये जो हमने गरम वाला चक्कर है वो कुछ और है वो गरम वाला चक्कर कुछ और है कट भी जाते हैं असल असल निकालना जो है ना वो शार्प वाला लाइए सर अब हम लोग आ रहे हैं जी उस स्टेज के ऊपर कि जिसमें हमने ये जो तैयार किया था मेलूल ये कैसे किया था हमने तैयार 25 ग्राम शुगर है और 125 ग्राम वो ये 35 ग्राम जो है वो एक लीटर के अंदर डालते हैं 35 ग्राम जो ऑक्सैलिक एसिड है वो एक लीटर शुगर सिरप में डालते हैं अपने हिसाब से कम कर दिया सर फिर हमें वाटर और शुगर भी पान मान के जी यूज जी वाटर का फार्मूला 35 ग्राम वो एक ही है वो 35 लीटर का एक है उन्होंने इसको ना अपनी आसानी के लिए वो बेटा फोर्थ पार्ट का 60 ml 50 अब 50 ml का मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉलोनी है वो है 10 फ्रेम्स और इसमें तो जरा एक फ्रेम कम है बरत लेकिन ये 10 फ्रेम अगर है तो हमने हर एक लाइन में 5-5 ml ड्रिप करना है और ड्रिप हमने कैसे करना है ये इससे हमने ये अपने सामने रखना है और ये हमारे पास जैसे आ रहा है 5 और फिर ये 10 तो अब मैंने 10 तक इसको यहाँ तक जाना है और मैंने एक लाइन जो है ना इसकी वो कवर कर लेनी है तो हम इसको ऐसे ऐसे डालते रहेंगे मक्खियों के ऊपर और ये हम डालते जा रहे हैं और सर नीचे से हमने रेट मैं ऊपर से जा रहा हूँ वो तो वो फर्क चले अब आ गए अगली लाइन में आ गए ऊपर से आएंगे प्रेस तो ऊपर से हम कर रहे हैं ना यहाँ से अब हम 30 तक जाएंगे इस लाइन के अंदर जाएंगे ये थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे मक्खियों के ऊपर डाल रहे हैं बेसिकली ताकि ये जो मक्खियाँ हैं हमारी ये इससे गीली हो जाए इसी तरह से हम इसको आगे लेकर जाएंगे 10-10 ml सर और 5-5 ml हमने सारा कवर कर दिया इससे हमारा ये हमने 50 ml लिया है और 5-5 ml 10 में डालेंगे तो 50 रिमेम्बर 50 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना एक कप इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 10 फ्रेम ठीक हो गया सर जी तो ये इसका ट्रिपल मेथड है और वन टाइम आपने देना है ये साल में दो मरतबा आप दे सकते हैं दो दफ़ा सीज़न आते हैं हमारे पास गवर्नमेंट एक सीज़न हमारे पास आता है जब हम बेर का शहद निकाल लेते हैं अक्टूबर के एंड में और नवंबर के शुरू में और दूसरा हमारे पास सीज़न कब आता है जिस वक्त हम लोग गर्मियों का क्लोज कर लेते हैं यानी वो महीना होता है कौन सा हमारा जुलाई और अगस्त का यहाँ पर तो ये दो सीज़न ऐसे हैं जिसमें हम लोग एक मरतबा हर कॉलोनी को ये ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्वाइस अ ईयर हर कॉलोनी को ये आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं ये इस केस में कि अगर उसके अंदर माइट्स हैं अगर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं वैसे तो ये ऑब्जर्वेशन लेनी है आपने शुगर रोल मेथड से लेकिन अगर आपको नहीं ले पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि माइट्स हैं तो फिर सारी कॉलोनी को हमने यकसा ट्रीटमेंट करना है टाइम इज शॉर्ट और हम लोग अब ये जो दूसरा वाला हमारा था मेथड जिसके अंदर हमने ऑक्सैलिक एसिड को ही इस्तेमाल किया है और इसमें हमने ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया तो इसे हम चाहेंगे कि हम इस जो टिश्यू पेपर है जो हमने अमेरिका से ख़ास तौर पर मंगवाया है ये आजकल यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं शॉप टॉवल तो शॉप टॉवल
तो ये अगर मिलने लग जाएंगे यहाँ से तो फिर बड़ी आसानी होगी, लेकिन ये इत्तेफाक से मेरे कोई गेस्ट आ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि तो सर ये किचन टॉवल है वो काम नहीं करे थोड़ा सा? नहीं, किचन टॉवल जो है ना वो इतने मोटे नहीं होते, जरा आप इसको फील करें आपको आइडिया हो जाएगा। इसके साथ टच नहीं करना चाहिए, इंपोर्ट बंद इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुद बनाए इसका मास्क बना के हाथ को अपने चलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड ऑब्वियसली एक एसिड है, तो अरे जैसे अभी मैं करूंगा आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों चढ़ाई है ये अपने हाथों पे। वैसे ट्रक से तो अंदर जाता है, वैसे तो हम लोग मास्क भी पहनते होते हैं, लेकिन अगर मैं मास्क पहन लूंगा तो ये बड़ी ज्यादती है मेरी जेब में। आप लोग बगैर मास्क के मैं पहन लूँ अच्छी बात है। ओके जी, हमने ये अब इसके ऊपर डाल दिया और अब हम चाह रहे हैं कि ये जो है ना इसको जज़ब कर ले अच्छी तरीके से, जो हमने इसको ऑक्सैलिक एसिड और ग्लिसरीन का एक मेलोल बना करके दिया है। बिल्कुल, ये दूसरे वाला तो फौरन भुरभुरा सा हो जाएगा और वो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम भी करेगा। अच्छा, जो अब इसके अंदर जो असल टास्क है ना हमारा, वो ये है कि हमने इसको जज्ब कराना है और हमने इसके अंदर सिर्फ जो है ना 31 ग्राम जो है ना वो हमें चाहिए वजन इसका, तो हमने इसका जो एक्सेसिव होगा वो हम इसमें से निचोड़ लेंगे और सिर्फ 31 ग्राम ही रहने देंगे। तो ये टॉवल अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा? नहीं, वैसे मिल जाते हैं ऐसे मिलते जुलते, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने खासतौर पर ये अमेरिका से मेरे गेस्ट आ रहे थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि लेते ही आए ताकि आप लोग जो चीज़ देखें ना ओरिजिनल, कल को आ जाएगा, अगर पाकिस्तान में नहीं आया तो आ जाएगा ये टॉवल। तो वैसे ये पिंडी में अवेलेबल नहीं है, मुमकिन है लाहौर कराची में हो। यहाँ मैंने वैसे तमाम जो स्टोर है ना मेगा स्टोर सारे चेक कर लिए, मुझे मिला कहीं से नहीं, तो दस्त में लेकर आया इसको देखते हुए। ये है जी इसको कि हमें इसमें से ना कुछ अब रिमूव भी करना है, हमारे पास टाइम कम था तो ये थोड़ा सा बच गया, हल नहीं हुआ, अदरवाइज हमने बिल्कुल इसको पानी की तरह हल करना होता है, तो ये बचना नहीं चाहिए इसमें से। सर जी का कोई प्लास्टिक इसके ऊपर रख पाएंगे? ये वाला रख देंगे। अच्छा ये रखने तारा बना लें इसके ऊपर, ये ना रखें इसको मैं इस्तेमाल करने बाद में, ये वाला रख लें, ये वाला रख लें, उल्टा करके रख, उल्टा करके चलें। ओके, अब इसका वज़न हम कर रहे हैं और इसका वज़न होना चाहिए 31 ग्राम, और अगर इसका वज़न ज़्यादा है तो हम इसको और निचोड़ेंगे। इसका 42 आ रहा है, 42 का मतलब यह है कि मैं इसको और अभी कम करना चाहता हूँ। वो स्ट्रिपर का भी टेर गया, वो टेर हो गया। ठीक है, मतलब वैसे ये जिस वीडियो में मैंने ये सारा सीन देखा है ना वो उनका भी नहीं था बराबर। और सारा का लेस हो गया तो लेस हो गया तो एक भी कहता है। अच्छा 36 पे आ गया ना? नहीं, आई थिंक सर सर अगेन टियर कर लें। नहीं नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर लग चुके हैं। जीरो है पुत्र, नहीं जीरो है वो, वो टेप अभी जीरो है ना। ओके, गॉट इट। अगर हम इसको इसी तरह ही रख दें तो क्या ये ओवरडोज होगा या तो ये ओवरडोज होगा या वो नीचे जो है ना वो टपक कर भागेंगी बाहर? इसको बीज भागेंगे। अच्छा, अब इसको फैलाने का तरीका जो है ना बहुत सिंपल सा है। सर जी कितना टाइम है नीचे? सर जी भूखे पे हैं। टाइम तो ओवर हो गया 5 मिनट। दूसरा तरीका तो बनी 3:35 हो गए। सिंपल ये है कि इसको हम अगर बनाते हैं तो हम स्टोर कर लेते हैं जिप बैग के अंदर और जब अप्लाई करना होता है तो बस ऐसे रख देते हैं कॉलोनी के ऊपर। दैट्स ऑल, बस इसको मक्खियाँ जो हैं वो खुद ही खा पी के ख़त्म कर देती हैं। तो दिस इज़ द सेकंड मेथड ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ट्रीटमेंट। तो हम 200 मुका बैठे हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, मजीद अगर कर रहे हैं तो हम बाद में कर लें, बाद में कर लें। ठीक है, तो अभी अपना प्रोग्राम आप कर लें किसी हिसाब से। हमारे बीकी पर दोस्त है ना, वो तो ज़रूर तीसरा चौथा जो भी हमारे पास है ना वो सारा एक अभी नीचे जाएंगे क्लोजिंग सेरेमनी।
ऑइंटमेंट रेडी है ना।